नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या क्या साहब, हमारा कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट वो सुभाष नगर पहुंचा रहे हैं बीर भट्टी के पास। फिर आप क्या चाह रहे हैं? अरे हम तो ये चाह रहे हैं यही रहे न्याय। हमारा ये कहना है न्यायालय सुलभ के नाम पर वकीलों का शोषण हो रहा है वहाँ। अब एक पैर हमारा यहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा, एक न्यायालय अलग अलग स्थानों पे भेज जाते रहेंगे तो हर थाने के ऊपर एक न्यायालय होगा, नीचे थाना होगा। तो अगर थाना और न्यायालय एक साथ रहेंगे तो उसको जो है वो न्याय नहीं मिल पाएगा लोगों के लिए। इसलिए लोगों को न्याय मिले इसलिए एक ही कैंपस में सारे न्यायालय रहे, ये हम मांग करते हैं। बात इस चीज़ की है कि एक आधे मुकदमा वहाँ लग रहा, अब वहाँ पे हम मुकदमा निपटाएंगे, फिर वहाँ से आकर 3 घंटे हम वहाँ दे देंगे, तो यहाँ कोर्ट और मुकदमों को क्या करेंगे जी भाई? और मुकदमों का और कोर्ट कैसे अटेंड कर पाएंगे? बात सही है, जूनियर सबके पास जूनियर थोड़ी ना, सबके अटेंड नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर जाकर के वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद पुलिया के नीचे जाम रखता है, वाजपेयी चौराहे पर जाम रखता है, तो समस्या कैसे वकीलों को पाई साल हो पाएगी? फिर ये होगा, पता चला यहाँ का मुकदमा छूट गया, अब वकील जो है क्लाइंट परेशान हो रहा है। वहाँ पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? नहीं बराबर में बैठते हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था करेंगे आप? क्या नया थाना खोलेंगे? नई चौकी खोलेंगे? महिलाएं जाएंगी, पीड़ित बच्चियाँ जाएंगी, जिनको न्याय दिलाने का हम अधिवक्ता साथी काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी होगी? जब हम यहाँ पर सर पे बैठे हुए सुरक्षा नहीं कर पाते, वहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के समय में साथियों, अगर हम लोगों ने पुरजोर विरोध नहीं करा तो जैसे हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के बेंच की लड़ाई हार गए, कहीं ऐसा ना हो हमारी चुप्पी से लड़ाई भी हमारे। हम सभी को हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।